हेलो सर, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, तो आज हम बात करने वाले हैं जो मेरे पास बेटा फिश टैंक सॉरी गप्पी फिश टैंक है, 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके अपडेट के बारे में वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे गप्पी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं टोटली आज सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगे कौन से प्लांट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। और 8 महीने कम्प्लीट हो चुके हैं इस प्लांट टैंक को बनाने के बाद, 500 रुपये से मैंने बनवाया था। और गप्पी फिशेज़ के ऊपर भी अपडेट जो भी है इसके ऊपर शेयर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास बेटा गप्पी फिश टैंक है। इसमें मैंने जब नया टैंक सेटअप किया था तो 500 रुपीज़ पे कॉस्ट आया था पूरा, मैंने प्लांट सब ला के डाले थे। तो अभी ये 8 महीने से कंप्लीट सक्सेसफुली ग्रो हो रहे हैं और 10 गप्पीज मैंने ला के डाला था इसके अंदर। अभी 10 से 400+ हो चुके हैं, 8 महीने में 400 ज़्यादा गप्पीज हो चुके हैं, जैसा कि हर बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गप्पी बहुत सी ब्यूटीफुल है, मोजाइक गप्पीज है। 50 रुपीज़ पर पेड़ के हिसाब से लाया था मैं, 25 रुपीज़ का ईच मिलता है। तो लाकर डाला था, तो जैसा कि आप सब जानते हैं फिशेज जो है बहुत जल्दी फास्ट ब्रीड कर जाते हैं, गप्पी स्पेशली। हर 40 दिन में ये 10 से 20 जो अप्रॉक्सीमेट डिपेंड अपन होता है उनकी हेल्थ के ऊपर, बेबीज ले करते रहते हैं, तो बहुत ही काफ़ी एक्टिव हैं, हेल्थी हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और इनको डेली जो है 2 टाइम्स मैं फीड करता हूँ, जो उसाकी का स्मॉल पैलेट्स आता है वो देता हूँ, या ऑप्टिमम का स्मॉल पैलेट्स वो भी पीस करके देता हूँ। रेडफिन करके एक बेटा फिश का फूड आता है, उसको मिक्स करके भी मैं इनको फीड करता हूँ। और फिल्टर भी बहुत क्लीन है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ओजेट पॉलिश का, मैं ओजेट पॉलिश का एक प्योरिटी करके जो आता है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब से मैंने टैंक के अंदर डाला हुआ है पानी क्लीन और क्लियर रहता है, देख सकते हैं यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है। पिछली बार बहुत गंदा हुआ करता था, जब मैं स्पॉन्ज फिल्टर इंस्टॉल किया डबल स्पॉन्ज फिल्टर, तो थोड़ा बहुत अच्छा इफेक्ट आया। अभी प्योरिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो और भी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, पानी देखिए क्लीन और क्लियर है। और इसमें मैंने प्लांट्स इस्तेमाल किया है, अनुबियस प्लांट्स और हॉर्नबिल प्लांट्स और हाइग्रोपिला का एक प्लांट्स आता है जो रिसेंटली मैंने ऐड किया है, वो ऐड किया हुआ है। यहाँ पर जो प्लांट दिख रहा है वो हाइग्रोपिला प्लांट्स है, वो प्लांट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिल्टर के अंदर देखिए यहाँ पर बायोमीडिया भी है, जिससे पानी क्लीन और क्लियर रहता है। वो बायोमीडिया जो है बायोबॉल्स हैं, वो 3 हफ्ते में एक बार क्लीन करना पड़ता है। और सैंड मैं नॉर्मल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो 50 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से मिलती है, वो ब्लैक सैंड इस्तेमाल किया था। 5 किलो मैंने इंस्टॉल किया था, 5 किलो में भी शायद ये 4 किलो या 1 किलो तो जब भी पानी क्लीन करता हूँ थोड़ी बहुत उसके अंदर चली जाती है, ऐसा कर करके थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, अभी 4 किलो शायद इसके अंदर है। और हॉर्नवर्म का जो ऊपर प्लांट ले कर रहा है उसको हॉर्नवर्म कहते हैं, ये विदाउट CO2 विदाउट लाइटिंग भी ये ग्रो कर जाते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं, नॉन CO2 प्लांट्स है। आप भी अगर आप लो बजट प्लांट टैंक सेटअप करना चाहते हैं तो आप इस तरह के प्लांट जैसा कि बकूपा है, अनुबियस प्लांट्स है, इस तरह के प्लांट्स लाकर डाल सकते हैं। देखिए मैंने ये लाइटिंग भी इस्तेमाल ये लिया था, 650 रुपीज़ का ये लाइटिंग आता है, 650 रुपीज़ में आपको अमेज़न में मिल जाएगा, वो वाला मैंने लिया था। 650 रुपीज़ से लेकर 1200 रुपीज़ तक का सेम रेंज का आता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। और हीटर मैंने अभी विंटर सीजन चल रहा है तो 100 वाट्स का हीटर इंस्टॉल करके 26 पे रखा हुआ है। हीटर इंस्टॉल करने के बाद देखिए इनका कलर जो है बहुत अच्छा नज़र आ रहा है गप्पी फिशेस का। विदाउट हीटर भी ये ग्रो कर जाएंगे, लेकिन अगर हीटर इंस्टॉल करते हैं तो और भी अच्छा इनको इफेक्ट पड़ता है इनकी हेल्थ के ऊपर। तो देखिए बेबीज़ हैं, छोटे छोटे बेबीज अभी भी आप देख सकते हैं, एनी टाइम जो है बेबीज ले करते रहते हैं या खुद खाते रहते हैं, इसे ही ग्रो होते रहते हैं। मैंने उनको अलग नहीं किया है, हालांकि थोड़े बहुत मैंने अलग किया हुआ है, लेकिन हर बार मैं अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ दिया उसके अंदर। ये खाते रहते हैं अपने आप पे, बड़े होते रहते हैं, जो बच गए वो बच गए। ज़्यादा हेडिंग प्लेस ऐड किया मैंने, 4-5 हेडिंग प्लेसेस हैं और प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी इनको हेडिंग प्लेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये मोजाइक गप्पीज, जैसा मैंने कहा कि मोजाइक गप्पीज है, 50 रुपीज़ पर पेड़ के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। डेली 8 घंटे जो है लाइटिंग इस्तेमाल करता हूँ मैं, ये जो लाइटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं 7 से 8 घंटे इस्तेमाल करता हूँ, डेली 2 टाइम फीड करता हूँ। फीडिंग में जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या फीड करता हूँ। और हफ्ते में कंपलसरी जो है 30% पानी चेंज करता रहता हूँ, जिससे पानी क्लीन और क्लियर रहता है, इससे प्लांट्स को भी हेल्थ मिलती है। अगर आप प्लांट्स को हेल्थी, फिशेस को ही नहीं हो, पानी रेगुलर चेंज करने की वजह से फिर प्लांट्स को भी ग्रो करने में हेल्प मिलती है, इसलिए प्लांट्स को भी अगर आपके प्लांट टैंक है तो चेंज करते रहो हफ्ते में 32%। हो सके तो हफ्ते में 2 बार भी, प्लांट टैंक नॉन CO2 है और लो बजट का है, तो हफ्ते में 2 बार 30% पानी चेंज कर लिया करो। अभी विंटर सीज़न है, रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में जो है महीने में 1 बार 30% पानी का चेंज करना काफ़ी है। नॉर्मल टाइम पर आप हफ्ते में 2 बार जो है पानी का चेंज कर सकते हो 30%। और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है टैंक, और टैंक भी बहुत क्लीन है, क्लियर है फिल्टर इंस्टॉल करने के बाद। छोटे छोटे देखिए कितने बेबीज़ हैं इसके अंदर, हमेशा आपको देखने के लिए मिल जाते हैं बेबीज़। और अनुबियस प्लांट्स हैं, और नीचे बहुत थोड़ा आलगे पड़ा हुआ है, वो महीने में एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ ग्रेवल को वैक्यूम पाइप इस्तेमाल करके। हालांकि ये
फ्राई रहते हैं जो बेबीज़ होते हैं फ़िशेज़ के, वो रहने के बाद फ़िशेज़ इस टैंक का पानी क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए मैंने अलग एक तरीका इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया है किस तरह, इस तरह की टैंक आपके पास है फ्राइज टैंक, तो उसमें 30% पानी कैसा चेंज करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है मैंने, आप उसे जाकर फॉलोअप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इतने फ्राइज हो जाते रहते हैं, इसमें बेबीज़ आते रहते हैं कि हर बार अलग करना मुश्किल होता है, तो उसी में रखकर मैं केयर करता हूँ। तो थोड़े बहुत मैंने अलग रखा हुआ भी है जिसमें रखकर मैं तकरीबन 1 महीना हो चुका है, वो बड़े होते हैं तो फिर मैं इसको दोबारा नए टैंक में डाल देता हूँ, जो पुराना टैंक है सामने जो नज़र आ रहा है उसमें डाल देता हूँ, छोटे बेबीज़ को फिर उठाकर उसमें डाल देता हूँ। मतलब 50% ही अलग करता हूँ, 100% पूरे करना दिक्कत मुश्किल हो जाती है, सबको चेस करना हर बार निकालना, इसके लिए फिर पूरा का पूरा टाइम निकालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गप्पीज़ को अलग रखा हुआ है, गप्पी बेबीज़ को, एक नॉर्मल टैंक है जो आर्टिफिशियल सेटअप बना कर रखा है उन लोगों को दिखाने के लिए जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ प्लैनेट टैंक ही ज़रूरी है या विदाउट प्लैनेट टैंक भी आप रख सकते हो। नॉर्मल आर्टिफिशियल प्लांट जो होते हैं प्लास्टिक प्लांट्स, उसको भी इस्तेमाल करके आप इस तरह के फिशेस को आप केयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्लैनेट टैंक ही इस्तेमाल करो, लेकिन प्लैनेट टैंक इस्तेमाल करने से आप देख सकते हैं इफेक्ट आपको खुद नज़र आ रहा है। जो प्लैनेट टैंक हैं उसके अंदर फिशेस बहुत जल्दी ग्रो होती है, कलरफुल उनका नज़र आती है, फिर भी बहुत ग्रो होते हैं, एक्टिव रहती है। अगर आप नॉर्मल टैंक में रखोगे इस तरह के टैंक में, तो उनका कलर बहुत कम आएगा और उनके अच्छे फिन भी जो है जल्दी ग्रो नहीं हो पाएंगे, कलर भी डार्क दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट का। प्लांटेड टैंक जो है एक एनवायरनमेंट होता है जिससे वो हेल्थी और हैप्पी रहते हैं। और देखिए मेरे पास बेटा फिशेस भी हैं, उनका भी ब्रीड करना बाकी है लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने पेंडिंग रखा हुआ है। तो आप भी इस तरह का नॉर्मल, आपके पास बजट नहीं है पैसा नहीं है, तो इस तरह का नॉर्मल सेटअप भी बना कर रख सकते हैं आर्टिफिशियल प्लांट डाल के। और उनको देखिए यहाँ पर उनका खाना रेडी है, नॉर्मल जो पैलेट्स आते हैं उसको क्रश करके बारीक करके डालता हूँ मैं, इसी को डेली 2 टाइम्स फीड करता हूँ। इससे क्या होता है फिशेस, छोटे छोटे फिशेस भी उसको आराम से खा लेती है। तो ये आज का अपडेट था, 8 महीने या 9 महीने हो चुके हैं। इस तरह देखिए मैं प्लांट्स इस तरह डाल देता हूँ तो वन बाई वन आकर खा लेते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखो, जब फीडिंग करते हो टैंक के चारों कॉर्नर्स में डिवाइड करके फूड को डालना है। अगर एक ही साइड में डालोगे तो दूसरे फिशेस आकर खाने से दिक्कत डरेगी, बड़े फिशेस को छोटी फिशेस डर कर नहीं आएगी, इसलिए बेटर है आप टैंक के चारों कॉर्नर में डिवाइड करके फूड डालो ताकि सारे फिशेस को ये फूड मिल सके। तो इस तरह करके आप भी सक्सेसफुल अपने गप्पी फ्रेश को ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप उनको केयर कर लो, थोड़ा बहुत उसके ऊपर ध्यान दो, तो आसानी से आप इनको केयर कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग ले जा सकते हो। इनकी एज जो है 3+ ईयर होती है गप्पी फिशेस की, और अपने एज में जो है एक अगर गप्पीज़ का अप्रॉक्सीमेटली काउंट करें तो 100 से 200 बच्चे दे देती है अपनी लाइफ टाइम में। हालांकि मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, हो सकता है उससे भी ज़्यादा दे जाए, मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा दे सकती है। एक बेबीज़ जो है एक पेड़ 400 से 500 पेड़ बेबीज़ जो है दे सकते हैं अपने लाइफ टाइम में। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। अभी तक 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस टैंक को, 10 महीने भी हो रहे हैं। आप भी चाहो तो इस तरह का अपने टैंक सेटअप करके रख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मेरे टैंक को अप्रिशिएट किया इस तरह, हालांकि लो बजट टैंक है, फिर भी बहुत सारे लोग ने इसको इंस्पायर है कि इस तरह का सेटअप करके, बहुत सारे लोग फोटो भेजते रहते हैं मुझे कि आपका टैंक देख के मैंने फॉलोअप किया है। तो ये तो लो बजट टैंक है, आने वाले दिनों में और भी अच्छे प्लैनेट टैंक देखने के लिए मिलेंगे, जैसे एक्वास्केपिंग टैंक है, बड़े बड़े टैंक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो देखने के लिए पसंद आया होगा, अगर वीडियो लाइक पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।